सरकार गिराने में हमारी कोई भूमिका नहीं थी, ये वर्डिक्ट में है, बयान हाईकोर्ट के जजमेंट में है। तो मैं ये कहूँगा कि जिसने भी हम ये गुनाहों को फंसाने का काम किया, ये अच्छी परंपरा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग सीधे साधे लोग, हम लोग जमात वाले लोग हैं, हमारे पास मांस है, लेकिन एक बाहरी आदमी अगर हम लोगों को आके अगर हमारे कपड़े में दाग लगा देता है तो अच्छी बात नहीं है। मैं ये कहूँगा सरकार को गुमराह करके, सरकार के लोगों को, कैबिनेट को गुमराह करके अपना जो निजी स्वार्थ साधने में लगे हुए थे वो दिखा भी अभी हाल के दिनों में, आने वाले दिनों में जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढा में स्वयं गिरता है, मैं ये कहना चाहूँगा। जी इरफान जी बताइए, उच्च न्यायालय का जो फैसला है क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उच्चतम न्यायालय को, और पहले से मैंने कहा था कि हम लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया, हम लोग बेगुनाह हैं। आज न्याय की जीत मिली है, हम लोग बेदाग साफ होकर हम लोग जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग को बेल मिला था, लेकिन कुछ कंडीशन लगा दिया गया था कि आप कलकत्ता के एरिया के अंदर ही रह सकते हैं। आज इंटिम बेल खत्म हो गए, परमानेंट बेल हम लोग ग्रांट हुआ है। मैं अपनी ओर से झारखंड वासियों का, तमाम लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे बुरे दिन में मेरे साथ खड़े रहे, और मुझे यकीन था कि हम लोग सच साबित होगा और हम लोग बेदाग निकलेंगे। आज कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, हम लोग सरकार गिराने में हमारी कोई भूमिका नहीं थी, ये वर्डिक्ट में है, बयान हाईकोर्ट के जजमेंट में है। तो मैं ये कहूँगा कि जिसने भी हम ये गुनाहों को फंसाने का काम किया, ये अच्छी परंपरा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग सीधे साधे लोग, हम लोग जमात वाले लोग हैं, हमारे पास मांस है, लेकिन एक बाहरी आदमी अगर हम लोगों को आके अगर हमारे कपड़े में दाग लगा देता है तो अच्छी बात नहीं है। मैं ये कहूँगा कि कम से कम हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस में हमारा शुरू से हमारा प्रवेश कांग्रेस में हुआ है, तो आप भी कांग्रेस के लोग थे तो आपको कम से कम पूछना चाहिए था एक विधायक दूसरे विधायक पर कैसे केस कर सकता है, आपको क्या दुश्मनी है तो आज ही मैदान में इस साजिश रच कर तिकड़मबाजी करके नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि 3 महीना जो हम लोगों ने बिताया है मैं बता नहीं सकता हूँ किस तरह चक्ष में थे हम लोग। मैं फिर से कोर्ट का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। राजेश जी काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं आप, क्योंकि वास्तव में हम लोगों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हम अपने लोगों के पास, अपने क्षेत्रवासियों के पास, अपने घर वालों के पास, अपने कार्यकर्ताओं के पास हम लोग सशरीर जा पा रहे हैं। पूरे 3 महीना लोग कर्जा करके, लोग किसी से मांग करके यहाँ पे मिलने आया, ट्रेन में आया, बस में आया, बिना रिजर्वेशन में आया, मिलने के लिए आया, उनको भी बहुत सारा कष्ट हुआ। बहुत सारे ऐसे मामले थे जिनका हॉस्पिटल के लिए हमारा अनुशंसा, स्कूल एडमिशन के लिए हमारा अनुशंसा, जो हमारा लाल कार्ड पीला कार्ड के लिए हमारा अनुशंसा, हमारा जो अभी चल रहा है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वहाँ का रिपोर्टिंग, वहाँ प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ से गाइड करना, ये तमाम परेशानियाँ थी हमारे पास में। आज कम से कम उस परेशानियाँ से हम निकल गए हैं, और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय उच्च न्यायालय जी का, जिन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है कि सरकार को गिराया जा रहा था। पैसा मिलना वो आपका अपना मामला है, हर कोई आज छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी 10 लाख 15 लाख रुपया लेकर के आज घूमते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे कर चोरी कर रहे हैं। वे हम लोगों आयकर का मामला है, हम लोग किसको देंगे, लेकिन जिस प्रकार से हमको इस प्रकार से एक जाल बुन करके कुछ माफिया किस्म के लोग जो सरकार को गुमराह करके, सरकार के लोगों को, कैबिनेट को गुमराह करके अपना जो निजी स्वार्थ साधने में लगे हुए थे वो दिखा भी अभी हाल के दिनों में, आने वाले दिनों में जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढा में स्वयं गिरता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। किसी का दिन है हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए, और हमारे चाहने वालों के लिए, और हमारे मतदाताओं के लिए। हमें भरोसा है हमारे न्यायिक व्यवस्था पर, और निश्चित तौर से हमें न्याय मिला है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, मैं हमारे शुभचिंतकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हम पर विश्वास किया, और विरोधियों को हमारे क्षेत्र में
रोक कर रखा और उनका प्यार हमारे मनोबल को बढ़ाया है। यहाँ पर वे आए मिलने के लिए अपने खर्चे पर, यहाँ पर मिले, देखे और फोन से भी लगातार बातें होती रहीं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे दिन में साथ दिया। और इस घटना को लेके मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि जो होता है भले के लिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in